देश मेरे तेरी शान है क्या, तेरी धूल से तेरी धूप से राशन ले। फिर आ गए, तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। दोस्तों, इस तरह का हैप्पी रिपब्लिक डे स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपके मोबाइल में काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे दिया हूँ। आप लिंक पर क्लिक करके काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे और आप 9.16 रेटिव सेलेक्ट कर लेंगे। 9.16 रेटिव सेलेक्ट कर लेने के बाद पे आपको एक मीडिया का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें एक बैकग्राउंड वीडियो ऐड कर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं सभी का डाउनलोड लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको डाउनलोड करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप किसी भी मटेरियल टेम्पलेट को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और हां दोस्तों, आपसे बता देना चाहता हूं, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो पासवर्ड को मैं बीच में कहीं पर भी शो करा दूंगा। इसके लिए आप वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिए। बैकग्राउंड वीडियो ऐड कर लेने के बाद बैकग्राउंड वीडियो पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से स्क्रॉल करके आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे और ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद फिर लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें नेशनल फ्लैग वीडियो ऐड कर लेंगे। नेशनल फ्लैग वीडियो ऐड कर लेने के बाद एरो पकड़ के इस तरीके से जूम कर लेंगे और ऊपर में ये जो कॉर्नर है यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्रोमा की ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक इनेबल का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर में यहाँ पे आपको 28% रहेगा तो आप इस तरीके से स्क्रॉल करके इसको 50 कर देंगे। 50 करने के बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद एरो पकड़ के इस तरीके से छोटा कर लेंगे और यहाँ पे अच्छे से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक वॉल पीएनजी ऐड कर लेंगे। वॉल पीएनजी ऐड कर लेने के बाद एरो पकड़ के इस तरीके से जूम कर लेंगे और इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर है यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद स्क्रॉल करके इसका ड्यूरेशन आपका जहाँ तक बैकग्राउंड वीडियो रहेगा वहाँ तक कर देंगे। स्क्रॉल करके आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे। स्टार्टिंग में आने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरीके से अच्छे से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लेने के बाद ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और आप जिस फोटो के साथ स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। दोस्तों, आप उसी फोटो को यहाँ पे ऐड करेंगे जिसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ हो। दोस्तों, किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है इस पर मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो का लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए और किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना सीख लीजिए। फोटो ऐड कर लेने के बाद एरो पकड़ के इस तरीके से जूम कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर में अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद स्क्रॉल करके इसका ड्यूरेशन आपका जहां तक बैकग्राउंड वीडियो रहेगा वहां तक कर देंगे। स्क्रॉल करके आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे। स्टार्टिंग में आने के बाद यहां पे आपको एक चाबी का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से स्क्रॉल करके आप एंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। एंडिंग पोजीशन में आने के बाद यहां पे आपको एक प्लस का आइकन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो फोटो है इसको इस तरीके से राइट साइड की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद फिर से स्क्रॉल करके आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे। स्टार्टिंग में आने के बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक ट्री फ्लावर पीएनजी ऐड कर लेंगे। फ्लावर पीएनजी ऐड करने के बाद एरो पकड़ के इस तरीके से जूम कर लेंगे और इस तरीके से कॉर्नर में अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने को स्क्रॉल करके इसका ड्यूरेशन आपका जहां तक बैकग्राउंड वीडियो रहेगा वहां तक कर देंगे। स्क्रॉल करके आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे। स्टार्टिंग में आने के बाद फिर से चाबी पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से स्क्रॉल करके आप 4 सेकंड पे आ जाएंगे। 4 सेकंड पे आने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का आइकन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो फ्लावर पीएनजी आप ऐड किए हैं इसको इस तरीके से कॉर्नर में हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद स्क्रॉल करके आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे। स्टार्टिंग में आने के बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक ब्लैक स्क्रीन शैडो पीएनजी ऐड कर लेंगे। ब्लैक स्क्रीन शैडो पीएनजी ऐड करने के बाद एरो पकड़ के इस तरीके से जूम कर लेंगे और नीचे यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद स्क्रॉल करके इसका ड्यूरेशन आपका जहाँ तक बैकग्राउंड वीडियो रहेगा वहां तक कर देंगे। स्क्रॉल करके आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे और ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक हैप्पी रिपब्लिक डे टैक्स पीएनजी ऐड कर लेंगे। हैप्पी रिपब्लिक डे टैक्स पीएनजी ऐड करने के बाद एरो पकड़ के जूम कर लेंगे और नीचे यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर से चाबी पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से स्क्रॉल करके आप 2
सेकंड पे आ जाएंगे। दो सेकंड पे आने के बाद फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे और इस पीएनजी को थोड़ा सा इस तरीके से राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करेंगे, फिर इस तरीके से एंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। एंडिंग पोजीशन में आने के बाद फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से इसको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे और बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद स्क्रॉल करके इसका ड्यूरेशन आपका जहाँ तक बैकग्राउंड वीडियो रहेगा वहाँ तक कर देंगे, स्क्रॉल करके आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे और ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक फ्लावर फॉलिंग वीडियो ऐड कर लेंगे। फ्लावर फॉलिंग वीडियो ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्प्लिट का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, बैक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रीन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करके आप ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक लाइट इफेक्ट ऐड कर लेंगे। लाइट इफेक्ट ऐड कर लेने के बाद फिर से स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, बैक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे, फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करके आप ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑडियो का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और अपने मनपसंद का कोई भी देशभक्ति म्यूजिक ऐड कर लेंगे। म्यूजिक ऐड करने के लिए म्यूजिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो म्यूजिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। म्यूजिक ऐड कर लेने के बाद ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद यह स्टेटस वीडियो बन के कम्प्लीट हो जाता है। चलिए मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ अपना स्टेटस कैसा बना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्टेटस वीडियो बन के कम्प्लीट हो गया। दोस्तों अब इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पे आपको एक एरो का आइकन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यह वीडियो आपके मोबाइल में कुछ ही मिनट कुछ ही सेकंड में सेव हो जाएगा।